और मैं जेड़े भी साथी इतने बैठे थे ना, मैं सारे आखन चेहरे ओदे बाद फिर उन्हें आख्या कि तुस करी लायो। सवेरे फिर डांग चलाई, कल भी डांग चलाई और तुसे नहीं पवा दिया। साढ़े पार्टी के जेड़े हैड ना, उन्हें भी इं डे होंगे, कदम 6 घंटे ईडी ने कदे भी जाना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहना, प्रोग्राम है करना। मैं जिहड़ी भी जिन्नी भी साड़ी कांग्रेस की इत्थे टीम आई दी है उनका अज सारे तुसें सारे ही सुनांग कि अज का जिहड़ा प्रोग्राम है पहले नवरात्रे का। और दो त्रै वारी विकास साहब ने आख्या कि अगर नई परमिशन मिला दी है तो तुस दिखी लाओ अगे कर लगे, लेकिन फिर एक कल आला नवरात्रा हा, उहदे बाद ही तारा डुब्बा दा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, मैडम रजनी पाटिल, श्री रमन भल्ला जी, सुलवानी साहब। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, भारत माता की जय, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद। लोगों में दो नंबर पे अडानी हो गए, लेकिन आज आप सामने वाले लोग बैठे हुए देखते हैं तो अपने पिट्टू बन के जा रहे हैं, किसी के घोड़े हैं, किसी पिट्टू बन के साथ में जा रहे हैं और अपना 6 महीने अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं। और ये एक जगह ऐसे हिंदुस्तान में, ऐसा एक हिंदुस्तान है कि जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले लोग एक हिंदुस्तान में हैं, और एक जगह पे सबसे कम संपत्ति नहीं, हर रोज पालने का पेट पालने का कैसा वैसा काम करते हैं। और इसी की लड़ाई राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से निकले हैं झंडा लेके, कांग्रेस का झंडा नहीं, देश का झंडा लेके निकले हैं। हजारों लाखों लोग उनके साथ में शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो अभियान करके, भारत जोड़ो अभियान करके। किस लिए अभियान है? वो अभियान इसलिए है कि जिस तरह से नफरत का, खौफ का, भय का वातावरण इस देश में पैदा कर किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू एक दूसरे के साथ नहीं जा सकता, तू गरीब है, तू अमीर है, हर एक के मन में एक तरह की दरिया दूरिया पैदा करती जा रही है। वो दूरिया मिटाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपने घर में दोबारा वापस आए, क्योंकि बहुत पुराना प्यार है हमें आपस में, बहुत पुराना रिश्ता है हमें आपस में। और उम्मीद करता हूं कि इनके बॉस, हमारे दोस्त जो थे, नाम नहीं लूंगा, नाम इनको पता है, उनको भी वो ये वापस लाएंगे। तो भाइयों, कांग्रेस पार्टी एक तहरीक है। कांग्रेस पार्टी सियासत के लिए नहीं बनी थी, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये उन अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक थी, जिन अंग्रेजों ने पूरे इस भारतवर्ष को ऐसे लूटा कि जिस भारतवर्ष का नाम सोने की चिड़िया रखा गया था पूरे दुनिया में, उस भारतवर्ष को लूटने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं रखी। और फिर 1885 में हमारी पार्टी वजूद में आई, और पार्टी इसलिए वजूद में आई कि यहां से अंग्रेजों को निकाल के हिंदुस्तान को आजादी दिलानी है अंग्रेजों से। तो फिर
हमारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जंग लड़ी, आजादी की जदोजहद लड़ी, जिसमें मेन रोल हमारे बापू महात्मा गांधी जी का रहा। और उनकी जदोजहद की वजह से, कांग्रेस पार्टी की जदोजहद की वजह से और उन लोगों की जदोजहद की वजह से जिसमें सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध सारे शामिल थे, सब ने कुर्बानी दी, सब जेल चले गए काफी लोग, और उन लोगों की जदोजहद की वजह से जिसमें सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध सारे शामिल थे, सब ने कुर्बानी दी, सब जेल चले गए काफी लोग, जेल गए काफी लोग को फांसी पे लटकाया गया और काफी लोगों ने जान की नजराने पेश किए, तब जाके मुल्क आजाद। का मौसम नहीं, क्योंकि रजनी पाटिल जी ने बड़े विस्तार से अपना भाषण यहाँ पे दिया किस ढंग से कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे यहाँ पे निकले हैं, माता वैष्णो देवी पूरा आशीर्वाद रहे, जिस मकसद के लिए निकले हैं, भारत जोड़ने की बातें करते हुए जो नफरत की दीवारें इस राजनेताओं ने यहाँ पे खड़ी किया, वो दीवारें हम गिरा दें तो हमारा मकसद यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और माता वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए जो भी यहाँ पे आए, हम महसूस करते हैं कि हर एक बरादरी के लोग यहाँ पे हैं। कहीं पे गुज्जर बरादरी का आदमी पिट्ठू बन के अपने कंधों पे, हिंदू बरादरी के बुजुर्ग हों बच्चे हों, कंधों पे बैठा के माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ये भाईचारा है, ये संस्कृति और कहीं नहीं मिलेगी। यही संस्कृति जम्मू कश्मीर में है जो सदियों से चली आ रही है। और आज वो राजनेता, वो सियासी पार्टी है जो हिंदुस्तान में नफरत की दीवारें खड़े करके अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास मजबूत रहे, भाईचारा मजबूत रहे, वहीं से खुशहाली का माहौल, वहीं से हमारे तरक्की का माहौल, वहीं से विकास का माहौल हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। हमें आप सबके साथ की जरूरत है। और आज के पहले नवरात्र के सिलसिले में भूपिंदर जी जो हमारे शामिल हुए, अपने परिवार के साथ शामिल हुए, अपने पूरे कारवां के साथ शामिल हुए, आप सबकी मनोकामनाएं माता वैष्णो देवी पूरी करें, यही मैं दुआ करता हूँ।